निशान और हम आज बात करेंगे कि आखिर लाल किताब एक आम आदमी के लिए कितनी लाभकारी है, और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ है शनी संजीव जी। संजीव जी नमस्कार, आपका स्वागत है। संजीव जी, एक आम आदमी के जीवन में किस तरह से लाल किताब का महत्व है और क्या उससे फायदे ले सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये वाकई जो है आज के जो जीवन है उसमें ये जो क्वेश्चन है बड़ा उपयोगिता रखता है। एक्चुअली क्या है कि आज का जो युग है ये दौड़धापी का युग है, यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है कि वो लंबे लंबे उपाय करवा सके, और जैसे 21,000 मंत्र या 3 दिन का हवन या 2 दिन का पाठ ऐसा नहीं करा सकता है। आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है, और हर सारी दुनिया दौड़ रही है, उसके लिए वही उपाय उपयोगी है जो वो 2 या 3 मिनट में कर सके। तो लाल किताब क्या कराती है कि जैसे आपने चीज़ें जल प्रवाह कर दी मंदिर में, इन चीज़ों को जैसे चने की दाल मंदिर में रखा है, तो ये सारे बहुत छोटे छोटे काम हैं। और दूसरी बात यह है कि आजकल के युग में आदमी के पास इतना पैसा भी नहीं है, आप बहनियाँ जो है महंगाई के बोझ से लदी हुई है, तो लाल किताब के उपाय जो है बहुत सस्ते उपाय हैं। कैसे है, जैसे आपने अगर जो है राहू की चीज़ें जैसे धनिया जल प्रवाह करना है, तो 10 रुपये का जो है धनिया आ जाता है तो उसमें आपका चल जाता है। तो गरीब आदमी के लिए और जो मीडियम पर आदमी है उसके लिए ये जो है लाल किताब के उपाय बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि शॉर्टकट है, ठीक है, आप कुछ कितना टाइम चाहिए 3 या 4 मिनट चाहिए कि चाहिए जल प्रवाह कराइए, चाहे मंदिर में रखिए, चाहे ये है, तो लाल किताब जो है आज के जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि लाल किताब के उपाय जो है वो अगर गलत करके तो उसका नुकसान मिलता है, ये भी सही है? लाल किताब के उपाय कभी भी गलत नहीं होते, करने वाला गलत होता है। अब क्या है कि एक मान लीजिए कि आदमी मांसाहारी है तो शराबी टाइप का आदमी है, अगर वो ऐसी ऊर्जावान उपायों को लेकर जो है करता है तो निस्संदेह उसके लिए उपाय जो है नुकसानदायक ही होंगे। और सबसे बड़ी बात कराने वाला, अगर जो कराने वाला है उसके भी जो है नियत में खोट है या वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसे उपाय करवा रहा है, तो पक्का जो है ये बात है कि वो उपाय नहीं फलेंगे। हाँ, जो ऊर्जावान व्यक्ति है उसके उपाय ही जाके फलेंगे। तो इसलिए इसको जो है लाल किताब को कभी भी पैसा कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो मैं यही यकीन से कहता हूँ कि आपके उपाय काम नहीं करेंगे। एक आम आदमी को कैसे लगे कि जो है वो सही आचार्य के पास जा रहा है और लाल किताब का जो है उसको कोई नुकसान नहीं? 4 या 5 मिनट में ही पता चल जाता है। जैसे आदमी मान लीजिए जिसके पास गया है, अगर वो उसको ढलने की कोशिश कर रहा है लंबे थोड़े उपाय बता के, जबकि मैंने आपको बताया कि लाल किताब के उपाय 20-25 रुपये 50 रुपये में काम करते हैं, अगर वो उसको कहता है ये इतनी मूर्तियाँ लगेंगी, ये इतना जो है टाइम लगेगा और इतना आपका उपाय का इतना खर्च आएगा, तो साफ पता चल जाता है कि वो आदमी जो है, क्योंकि लाल किताब की जो उत्पत्ति हुई है वो सब इसीलिए हुई है कि लोगों को जनमानस को सस्ते उपायों से जो है काम किया जा सके। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि उसको कैसे पता चलेगा कि आचार्य जो है योग्य भी है या नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है वो तेजस्वी चेहरा, आपका चेहरा कैसे है, चेहरा ही आपका बयान कर सकता है। जैसे आपका देखिए आपका चेहरा जो है इसमें कितनी बोझ है, तो मैं एक मिनट में आपके बारे में जान कर सकता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे और सुहृदय आदमी हैं, चेहरा आपका बता देता है। और ऐसे जब भी आदमी भी किसी के पास जाता है तो एक मिनट में उसकी वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ तक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे मुझे वाइब्रेशन आपसे कितनी अच्छी आ रही है तो मुझे पता चलता है कि आपका जो है बिल्कुल सही है, मैं आपके पास सही आदमी के पास आया हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आपने एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि लाल किताब जो है एक आम आदमी को, जो गरीब आदमी है उससे लेकर मध्यम आदमी जो है वो भी अपना इलाज करा सकता है, और बहुत कम खर्चे में। अगर आप भी किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलें तो ये देख लें कि उनके चेहरे पर तेज कहता है। राजीव निशाना, समाचार वार्ता, दिल्ली।